बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। अब बच्चों जैसे कि आप देख रहे थे, ठीक है, हम आपके साथ तत्वों के आवर्ती गुण अध्याय के साथ आपके साथ हूं। बच्चों आज मैंने डायरेक्टली आपके सामने कुछ तार्किक प्रश्न लेने की कोशिश की है, तो मैंने सबसे पहला जो तार्किक प्रश्न आपके सामने लिया हुआ है वो है सोडियम, है ना, उसका संकेत है Na। मैंने नाम भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है सोडियम। और प्रश्न क्या रहा है कि सोडियम को केरोसिन ऑयल में, है ना, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों? बच्चों यानी प्रश्न जो है वो बहुत साधारण सा है। साधारणता अगर हम सोडियम को अपने एनवायरमेंट में, ना, जहां पे हम और आप अभी वर्तमान में जिस परिवेश में रह रहे हैं, अगर हम सोडियम को ऐसे ही किसी प्याले में या किसी बर्तन में अगर रख दें तो उसको रख पाना संभव नहीं होगा, है ना, वो क्या करेगा, विस्फोट करेगा, वो फूटेगा, या ऐसा कह दो कि वो जल उठेगा। तो साधारणता उसको हमारे वातावरण में अगर हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सोडियम को हमेशा हमको मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन ऑयल में डुबाकर रखना पड़ता है। तो इसीलिए हमारे पास प्रश्न है कि आखिर उस सोडियम के साथ ऐसा क्या होता है, या सोडियम जो है उसको हम केरोसिन ऑयल में या मिट्टी के तेल में ही क्यों सुरक्षित रख सकते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है आज, तो हम अब इसके उत्तर के संदर्भ में जानकारी लेंगे। बच्चों जैसे कि आप प्रश्न देख रहे हैं कि सोडियम को हम केरोसिन ऑयल या मिट्टी के तेल में रखते हैं, इसका क्या कारण है? तो अगर मैं आपको यह बता दूं कि सोडियम को अगर हम मिट्टी के तेल या केरोसिन ऑयल में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, है ना, तो वो ज्यादा बेटर आप समझ पाओगे, तो रखने का कारण आप अपने आप आसानी से समझ जाओगे। तो मैं उल्टा चलता हूं थोड़ा सा। तो सोडियम को अगर हम मिट्टी के तेल में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, मैं उत्तर पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। बच्चों सोडियम को यदि हम मिट्टी के तेल में, ना, केरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में ना रखें तो संभवतः क्या हो सकता है? तो बच्चों यहां पर जो परिघटनाएं होंगी, सबसे पहली घटना होगी और वो घटना ये होगी कि जो सोडियम है इसके बारे में जानिए, सोडियम कैसी होती है बेटा, ये होती है तीव्र क्रियाशील, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है, ठीक है, सोडियम बहुत ज्यादा ही क्रियाशील धातु है, तीव्र क्रियाशील धातु है। और इसीलिए बच्चों ये जो सोडियम है ये वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्या करने लगती है, क्रिया करने लगती है, और ये वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाने लगेगी, ये बनाने लगेगी Na2O। ये सोडियम ऑक्साइड नाम का एक पदार्थ जो है सोडियम ऑक्साइड उसमें बदल जाएगी, ठीक है। तो ये पहली संभावित क्रिया होगी, क्योंकि सोडियम कैसी होती है, तीव्र क्रियाशील होती है। इसके उपरांत क्या होगा बच्चों, इसके उपरांत बना हुआ जो सोडियम ऑक्साइड है, ये सोडियम ऑक्साइड बच्चों वातावरण की नमी यानी वातावरण में जो नमी होती है ना, मॉइस्चर है ना, ठंडक, वो जल के कारण होता है। तो वो सोडियम ऑक्साइड हमारे वातावरण के जल के साथ क्रिया करने लगेगा, और बच्चों जो सोडियम ऑक्साइड बना था वो जब मॉइस्चर से क्रिया करेगा तो वो क्या कर देगा, वो सोडियम ऑक्साइड को किसमें बदल देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। यह संभावित क्रिया होगी। इसके अतिरिक्त यह दूसरी क्रिया थी, इसके अतिरिक्त एक तीसरी क्रिया भी संभव है, और वो ये है बच्चों कि जो सोडियम ऑक्साइड है वो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्रिया करता है ना, हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो यह जब उससे क्रिया करेगा तो यह अपने आप को सोडियम कार्बोनेट में भी बदल देगा। क्लियर हो गई मेरी बात? और हम जैसे ही देखेंगे कि सोडियम को अगर आप मिट्टी के तेल में नहीं रखोगे तो ये तीनों संभावित क्रियाएं हो जाएंगी, और क्या हो जाएगा, सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड निर्मित हो जाएगा, उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित हो जाएगा, और उसके अलावा सोडियम कार्बोनेट भी निर्मित हो जाएगा। अब बच्चों जब ये तीनों पदार्थ एक अनुपात एक के रेशो में बराबर मात्रा में जब हमारे एनवायरनमेंट में उपलब्ध हो जाएंगे, तो इन तीनों पदार्थों का जो मिश्रण है ना, इनका जो संयुक्त मिश्रण है, इनका ये जो संयुक्त मिश्रण है ये एक अच्छा
अच्छा, एक अच्छा क्या बन जाता है बच्चों, विस्फोटक बन जाता है ना। अब विस्फोटक आप लोग जानते हैं, अगर वो विस्फोटक है तो सीधी सी बात है वो फूटेगा या आग पकड़ लेगा, वो जल उठेगा। तो एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो ये है कि अगर हम सोडियम को मिट्टी के तेल में ना रखें तो ये तीन संभव क्रियाएं हो जाती हैं, जिसकी वजह से सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण 1:1:1 में बन जाने की वजह से वो मिश्रण एक विस्फोटक तैयार कर लेता है। अपने आप स्वतः ही ये क्रिया होती रहती है और फिर वो विस्फोटक हमारे एनवायरमेंट में हमको क्षति पहुंचा सकता है। अब हम चाहते हैं कि ये संभावित क्रिया ना हो, तो सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए उसको कहां रख देंगे, मिट्टी के तेल में रख देंगे। क्योंकि मिट्टी के तेल में जैसे ही आप सोडियम को रख दोगे तो बच्चों मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होगी, पहली चीज, ठीक है। दूसरी बात, उसमें मॉइस्चर नहीं होगा, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड उसके संपर्क में नहीं आ पाएगी। तो सोडियम को ये संभावित क्रियाएं करने के लिए ये तीनों चीजें अनुपस्थित मिलेंगी और वो इस तरह के जो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण है ये नहीं बना पाएगा और संभवतः ये विस्फोटक पदार्थ में भी नहीं बदलेगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। H2O द्रव है जबकि H2S गैस, क्यों? बच्चों एक महत्वपूर्ण दूसरा लॉजिकल प्रश्न है हमारे सामने कि जो H2O है वो द्रव है जबकि H2S गैस। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसे दो पदार्थों की हमने सबसे पहले तुलना क्यों कर ली, है ना। तुलनात्मक अध्ययन का कारण भी हम पहले समझ लें। मैं यहां पर बता दूं कि जल और H2S में, है ना, यहां पर बच्चों ऑक्सीजन और जो सल्फर है ना, ये दोनों एक ही वर्ग के, या मैं कह दूं एक ही परिवार के तत्व हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और यही वजह है कि दोनों ने हाइड्राइड का निर्माण किया है। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से क्रिया किया, हाइड्राइड बनाया। सल्फर ने हाइड्रोजन से क्रिया किया, हाइड्राइड बनाया। लेकिन फिर भी जो जल है वो द्रव है जबकि H2SO4 जो है वो गैस है। तो इनमें ये भिन्नता क्यों है जबकि दोनों एक ही परिवार के हैं? तो एक ही परिवार के तत्वों में पर्याप्त समानता होनी चाहिए, लेकिन वो समानता फिर भी इनके बीच में नहीं है। इसीलिए हमारे सामने ये प्रश्न निकल कर आया है कि जो जल है वो द्रव है जबकि H2SO4 गैस है। तो इसके संक्षिप्त में कारण आपको बताना चाहूंगा बच्चों। मैं जल से स्टार्ट कर दूं तो बच्चों याद रखिए H2O में जो केंद्रीय परमाणु है ना, H2O में केंद्रीय परमाणु, तो बच्चों H2O का केंद्रीय परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। बहुत संक्षिप्त में समझिए कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सल्फर की तुलना में, ठीक है बच्चों, सल्फर की तुलना में कैसी होती है? अधिक होती है। बस आप तो सिर्फ इतना बहुत अच्छी तरह से समझ के रखिए, हमने कहा कि H2O में जो केंद्रीय परमाणु है वो है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सल्फर परमाणु की तुलना में, है ना, H2SO4 के केंद्रीय परमाणु सल्फर की तुलना में कैसी होती है? अधिक होती है। और यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि जो जल का अणु है ये कैसा होता है? ये ध्रुवी होता है। कैसा होता है? ध्रुवी। और अगर जल का अणु बच्चों ध्रुवी है तो एक ध्रुवी अणु परस्पर अपने दूसरे ध्रुवी अणु के साथ क्या करेगा? यह हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणन स्टार्ट कर देगा, है ना, इनमें संगुणन होने लगेगा और उसकी जो भौतिक अवस्था हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? तरल, यानी कि वो लिक्विड हो जाएगा। जबकि बच्चों H2SO4 में सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से बहुत कम है और विद्युत ऋणात्मकता कम होने की वजह से यह आध्रुवी होता है। कैसा होता है? यह आध्रुवी है। अगर बच्चों ये आध्रुवी है तो इसमें संगुलन की प्रवृत्ति नहीं होगी, यही वजह कि ये एक स्वतंत्र अणु के रूप में रहेगा और इसकी जो भौतिक अवस्था होगी वो गैस होगी। ठीक है बच्चों, इसी तरह के कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।